नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोमित्रम में। इस वीडियो में दिखाई गई, उपयोग की गई अथवा प्रकाशित की गई सामग्री एस्ट्रोमित्रम के साथ पंजीकृत संबंधित लेखक ज्योतिषी से संबंधित है। इस वीडियो को केवल देखने के लिए YouTube से एक्सेस किया जा सकता है और इसे पुनः किसी भी माध्यम से प्रकाशित या वितरित करने के समस्त अधिकार एस्ट्रोमित्रम के अधीन है। एस्ट्रो मित्र में आपका स्वागत है, मैं हूं ज्योतिषाचार्य आनंद। मित्रों, हम बात करेंगे कृष्णमूर्ति पद्धति पे। मित्रों, कृष्णमूर्ति पद्धति ग्रहों पर आधारित नहीं है, नक्षत्रों पर आधारित है। ग्रह फल नहीं देता, ग्रह में बैठा हुआ नक्षत्रपति देता है। इसी बहस पर हम आपको निरंतर अपने एस्ट्रो मित्रम के माध्यम से लगातार हम कृष्णमूर्ति पद्धति पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है लग्न का। तो लग्न की उपयोगिता के बारे में हम पिछले एपिसोड में चर्चा कर चुके हैं। आज हम फिर हम बात करेंगे कि लग्न की क्वालिटी, लग्न के विचार, लग्न की सोच, लग्न की। अब इसमें आप ये देखिए कि लग्न की चार विचारधारा होती है। कौन कौन सी विचारधारा होती है? क्योंकि आप ये देखेंगे कि लग्न जो है एक पांचनों की विचारधारा, यानी अग्नि तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, यानी हम चार चीज़ों के लेकर के चलते हैं। अब एक पांचनों आपकी विचारधारा हो सकती है, मतलब आप बहुत एनर्जेटिक पर्सन हैं, बहुत एक्टिव पर्सन हैं। अब सवाल ये होगी कि एक पांच नौ में तीन नक्षत्र पड़ते हैं, केतु, शुक्र और सूर्य का। तो अब सवाल ये हो रहा है कि केतु, शुक्र, सूर्य का तो ये नक्षत्र पड़ गया, ये बेस बन गया, लेकिन इसके बाद अब लग्न की क्वालिटी क्या है, लग्न की सोच क्या है, लग्न की विचारधारा क्या है, लग्न चाहती क्या है, लग्न का काम करने का तरीका क्या है। मित्रों, यदि आपके जिस लग्न, जिस ग्रह को आप वर्ण कर रहे हैं, जिस सब लॉर्ड को वर्ण कर रहे हैं, जिस सब लॉर्ड के स्थिति से आप जुड़े हुए हैं, जो आपका सिग्निफिकेंट है, वही आपकी विचारधारा हो जाती, वही आपकी सोच हो जाती, वही आपका काम करने का सिस्टम बन जाता है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले यदि कोई लग्न आप देखते हैं, तो मान लो एक पाँच नौ यानी अग्नि तत्व की लग्न है। अब अग्नि तत्व की लग्न की विशेषता क्या है? ये लोग किसी से दबते नहीं है, यानी क्या है कि आपकी एक्टिव एनर्जेटिक पर्सन हो, यानी क्या है, आप लगातार एक्टिव हो, आपका स्टेटस है, आपका प्रभाव है, आपकी क्रिएटिविटी है। अब वास्तव में आपकी क्रिएटिविटी है या नहीं है, वास्तव में आप प्रभावशाली है या नहीं है, क्योंकि सवाल ये हो रहा है कि इसमें सबसे पहले केतु का नक्षत्र पड़ता है। केतु के नक्षत्र पड़ने के कारण आपके अंदर पूरा जो 13-20 का नक्षत्र है वो आपको लाइफ में अप एंड डाउन्स करता रहता है, लो लाइफ में उतार चढ़ाव कर देता है। अब सवाल यह है कि सबसे पहले जो केतु का नक्षत्र है, यानी मंगल की राशि केतु का नक्षत्र, केतु का उपनक्षत्र जो है, अब सवाल ये होता है कि ऐसा व्यक्ति जो मूडी होता है, मूड के ऊपर खतरनाक काम करता है, लेकिन वास्तव में मूडी है या नहीं है। तो हम फिर वापस केतु का सबलॉट देखेंगे, केतु किसके नक्षत्र, केतु किसके उपनक्षत्र में, वो उपनक्षत्र की कहानी क्या है। यदि वो उपनक्षत्र भी यदि शुक्र के नक्षत्र और सूर्य के सब में हुआ तो कहानी बदल गई, यदि किसी और नक्षत्र और ग्रह में हुआ तो मित्रों वैसा व्यक्तित्व बनता हुआ चला जाता है। इसकी और रिफाइन करना चाहता हूं कि हम सबसे पहले कार्य का प्रोसेसिंग सिस्टम देखते हैं कि जैसे लग्न की सोच क्या है। लग्न क्या है कि मेहनती है, लग्न जिम्मेदार है, लग्न आलसी है, लग्न एक्टिव है, लग्न टिप टॉप रहती है, लग्न बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग करती है, लग्न रह व्यवहार कुशल है, लग्न अव्यवहार कुशल है, यानी सब कुछ जो लग्न की स्थिति है। हम लग्न को बराबर दो तीन एपिसोड इसलिए दिए मित्रों कि किसी भी चीज़ की जो कार्य क्षमता होती है लग्न होती है, लग्न लेड का रेल का इंजन है। यदि लग्न को हम समझ गए तो लग्न चाहती क्या है, सबसे पहले हमारी रुचि क्या है, सबसे पहले हम चाहते क्या है, सबसे पहले हमारा प्रोसेस क्या है। मित्रों, जो ये लग्न है, लग्न सबसे पहले इच्छा हुई कि मुझे भोपाल जाना है या मुझे दिल्ली जाना है या मुझे कार खरीदना है, तो सबसे पहले आपका इंटरेस्ट जागृत होता है। उस इंटरेस्ट में क्या होता है कि तीसरा घर जो है उसमें आपके इंटरेस्ट को बढ़ाता है, उसमें हाथ पैर मारता है, उसमें प्रयास करता है, उसमें उस योजनाओं को साकार करने के लिए दिमाग लगाता है कि किससे मिलना है, कौन कौन व्यवस्था है, किसके पास एजेंसी है, किन कौन कौन इसमें हमें मदद करेंगे, जिसके माध्यम से, यानी क्या हुआ, आपके एनर्जी का फ्लो बढ़ जाता है, आपकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन छठा घर हमारे इन्वॉल्वमेंट का है, हमने उसके लिए कितनी मेहनत अपनी उसमें लगाई, कितना समय लगाया, और ग्यारहवा घर हमारी पूर्ति का है। यानी हम इन त्रिकोणों की बात करेंगे तो सबसे पहले लग्न
लग्न का इंटरेस्ट क्या है, लग्न का इंटरेस्ट है कि नहीं है, लग्न शादी करना चाहती है कि नहीं चाहती, लग्न संतान पैदा करना चाहती कि नहीं चाहती, लग्न मकान लेना चाहती कि नहीं चाहती, लग्न अपने यात्रा करना चाहती कि नहीं चाहती है। यदि हाँ, यदि आपका उत्तर मिला कि लग्न यात्रा करना चाहती है, तो यात्रा का प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, यात्रा का स्वरूप क्या है, यात्रा की कार्य करने की शैली क्या है, यदि आपने ये देख लिया कि लग्न की यात्रा है तो यात्रा किस तरह की, यात्रा लोकल है, यात्रा टिप टॉप है, यात्रा घटिया तरीके से, यात्रा बस से है, यात्रा ट्रेन से है, यात्रा एरोप्लेन से, यात्रा का प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, जैसे घर से निकले और तुरंत आपको कार मिल गई, यानी यात्रा शुक्र के थ्रू हो रही और उस व्यक्ति ने आपको शुक्र कार के माध्यम से आपको वहाँ छोड़ दिया जहाँ आप बस स्टैंड पहुँचने की गाड़ी बिल्कुल लग्जरियस तरीके से आपका इंतजार कर रही थी और जैसे ही आप बैठे और चलने लग गई आपको सीट मिल गई, यात्रा बहुत लग्जरियस तरीके से होती और बिना किसी व्यवधान के पहुँच गए। अब इसी की तुलना में यदि हम देखेंगे यात्रा का प्रोसेस कि यदि अब यात्रा में शनि जुड़ा हुआ है, शनि शनि के नक्षत्र में, यानी जैसे ही घर से निकले तो आप बिल्कुल हैरान परेशान है, कोई आपको लिफ्ट नहीं दे रहा, कोई आपको ऑटो नहीं मिल रहा, कोई आपको गाड़ी नहीं मिल रही है, आपका ड्राइवर लेट हो गया है, यानी टोटल विलंब हो रहा है। जैसे तैसे आपने रिक्शे की व्यवस्था हुई तो रिक्शे का टायर पंचर हो गया, रिक्शा लेट हो गया, फिर जैसे ही वहाँ बस स्टैंड पहुँचे तो बस आपके दो मिनट पहले निकल चुकी है, आप इंतजार कर रहे हैं, सेकंड बस आई तो आप उसमें भरी भराई हुई है और लगातार आप खड़े होकर जा रहे हैं, यानी टोटल यात्रा संघर्ष में हो रही, दिक्कतों के साथ हो रही, परेशानियाँ हो रही, यानी यात्रा का स्वरूप, यानी यात्रा का स्वरूप क्या है, यात्रा की प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, यात्रा का स्टेटस क्या है, यात्रा की क्वालिटी क्या है, यात्रा लो कैटेगरी की, यात्रा हाई कैटेगरी की, यात्रा में जो लोग बैठ करके लग्जरियस तरीके से ऐसी गाड़ी में होगी या कि यात्रा धक्के खाकर होगी, ये सब मित्रों लग्न निर्धारित करती है, क्योंकि लग्न का इम्पोर्टेंट होना, लग्न का बलवत्ता होना, लग्न की क्वालिटी होना अत्यंत आवश्यक है कि यानी किसी भी कार्य का प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है। यदि हम प्रोसेसिंग सिस्टम समझ जाएं तो कभी दिक्कत नहीं आएगी कार्य का स्वरूप, यानी आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कार्य के स्वरूप को लेकर के कि हर कार्य की प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है। जैसे हर काम एक व्यक्ति का व्यवस्थित और सिस्टमेटिक ढंग से होता हुआ चला जाता है, यानी उसका सूर्य और शुक्र बलवान होता है, एक व्यक्ति का हर काम बहुत मेहनती है, जिम्मेदार, ईमानदार है, लेकिन उसके काम में संघर्ष बना हुआ है, उसके सामने दिक्कत बनी हुई है, उसके काम में परेशानी बनी हुई है, उसके काम में बहुत सारी उलझनें बनी हुई है, उसके काम में कहीं ना कहीं टोटल उलझनें हैं, यानी वो उसने जीवन भर संघर्ष करते हुए आगे बढ़ गया। लेकिन मित्रों एक दौर आता है, दशाएं चेंज होती हैं, दशा के बाद ऐसा उल्टा होता है कि जिस व्यक्ति का काम व्यवस्थित होता था वो उसका अव्यवस्थित होने लगा और जिसका अव्यवस्थित होने लगा उसका व्यवस्थित होना शुरू हो जाता है, यानी एक दौर के बाद जब दशाएं चेंज हो जाती हैं और दशाएं वो पॉजिटिव से जुड़ जाती हैं तो व्यक्ति के जीवन में पॉजिटिव क्रांति होना शुरू हो जाती है, यदि वो दशा नेगेटिव से जुड़ी हुई है तो उसके अपोजिशन होना शुरू हो जाता है, यानी ग्राफ ऊपर चढ़ के नीचे गिरा, नीचे चढ़ के ऊपर गिरा। तो ये ऑन डिपेंड कंडीशंस ऑन दशाएं, दशाओं की स्थिति। तो सबसे पहले आज हम बात कर रहे हैं प्रोसेसिंग सिस्टम की, कार्य का प्रोसेस स्वरूप क्या है, यानी आप किसी मित्र से मिलने गए तो जैसे ही मिलने गए तो आपको तुरंत मिल गया और आपके सारे जिस काम के उद्देश्य गए, जिस ऑफिस से गए, उसमें सारे काम होते हुए चले गए, नंबर एक बात। तो सबसे पहले कि यदि वो हो सकता है आप जिससे मिलने गए वो मिले ही ना, वो मिले तो आप घंटों इंतजार कर रहे हैं, घंटों इंतजार करने के बाद आपका मिलना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आप बहुत दूर दूर से उसके घर पहुँचे थे, फिर वो अर्जेंट कागज़ लेना ज़रूरी था, वो कागज़ की मकान की चाबी कहीं और भूल के आया, यानी दिक्कतों के दिक्कत है। यानी हम आज के एपिसोड में आपको ये बताना चाहते हैं कि आपका प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, आपके कार्य का स्वरूप क्या है, आपकी रूपरेखा क्या है, आपका मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, आपका मैनेजमेंट सिस्टम अधूरा है, आपका मैनेजमेंट सिस्टम टॉप है, आपका मैनेजमेंट सिस्टम अनकंफर्टेबल है, कभी आपका मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा रहता है, कभी खराब रहता है, यानी आपकी क्षमता क्या है। एक व्यक्ति बिना लग्जरियस के घर से नहीं निकलता, एक व्यक्ति जैसी जिस अवस्था में वैसे तुरंत बाहर हो जाता है, यानी क्या है आपका प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है कि एक व्यक्ति जब बिना मतलब अंडरवियर बनियान में घूमता फिरता चलता है, एक आदमी अपने आप को टिप टॉप रख के नहा धो के फिर घर से बाहर निकलता है। तो ऐसी कंडीशन में हम आज आपसे कार्य के प्रोसेसिंग सिस्टम की चर्चा करना चाहते हैं, कार्य के स्वरूप की चिंता करना चाहते हैं, कार्य का रूपरेखा क्या होगी, कार्य का इंटरेस्ट क्या रहेगा, कार्य का इंटरेस्ट रहेगा तो कितना इंटरेस्ट रहेगा, कार्य उसमें दिक्कतों के साथ होगा, परेशानी के साथ होगा, अभाव के साथ होगा, तुरंत होगा, नहीं होगा या जोरदार तरीके से होगा, यानी आपके प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, आपके प्रोसेसिंग सिस्टम का कार्य का रूपरेखा क्या है। यदि आप ये समझ जाएं मित्रों तो आपको कृष्णमूर्ति पद्धति समझने में बहुत आसानी होगी, कृष्णमूर्ति पद्धति समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज के मुख्य एपिसोड का विषय जो है
लग्न की कार्य रूपरेखा, लग्न का स्वरूप, लग्न का प्रोसेसिंग सिस्टम, लग्न के काम करने का तरीका। मित्रों, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? इस कार्यक्रम से संबंधित यदि कोई भी प्रश्न है तो हमारे एस्ट्रो मित्रम के दिए हुए नंबरों पर हमें कॉल कर सकते हैं। आपसे पुनः चर्चा होगी एस्ट्रोलॉजी पे, कृष्णमूर्ति पद्धति पे। हम आपसे पुनः अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार। हमें आशा है कि यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एस्ट्रो मित्रम, एवं किसी भी प्रकार की समस्या या ज्योतिष से संबंधित जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। आपकी सहायता को सदैव तत्पर हमारी कुशल टीम आपसे जुड़ने की आशा करती है। धन्यवाद आपके समय के लिए।